तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुनी उस लोटस को लेने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कई सारे जेड आई स्पाइडर आ जाते हैं और अब वह वहां पर सभी पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर जुनी अपने सभी सोल्जर्स के साथ उनसे फाइट करने लगता है। पर वह स्पाइडर्स अपने पॉइजन का यूज करते हुए जुनी के सभी सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यह देखकर जुनी उन स्पाइडर्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि तभी एक स्पाइडर जुनी के ऊपर पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर साओ साओ जुनी की मदद करने के लिए आगे जाती है, पर तभी वह स्पाइडर जुनी पर दोबारा अटैक कर देता है, जो देखकर जुनी अपने शील्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक को नहीं रोक पाता है और अब वह स्पाइडर वहां पर जुनी को मारकर घायल कर देता है, जिसके बाद वह उसके सभी सोल्जर्स को भी वहां पर फ्रीज कर देता है। अब यह देखकर साओ साओ को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वह अपनी मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए एक ही अटैक में उस स्पाइडर को वहीं पर मार देती है और तभी वहां पर और भी कई सारे स्पाइडर्स आकर साओ साओ पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर साओ साओ टियान चाओ से वहां पर मदद मांगती है। पर वहां पर खड़ा टियान चाओ सोच रहा होता है कि यह सभी स्पाइडर्स हेवेनली मार्शल रैलम पर है और अगर उसने यहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर जुनी को बचा लिया, पर उसके बाद भी वह इन सभी स्पाइडर से बचकर यहाँ से नहीं भाग पाएगा, क्योंकि हेवेनली मार्शल रैलम के इतने सारे बीस्ट को हरा पाना आसान काम नहीं है। और तभी उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर वह अपने सोल्जर्स के साथ वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर कुछ सोल्जर्स मिलकर उस एरिया के चारों ओर लगे शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह लोग उस शील्ड को नहीं तोड़ पाते हैं। तभी वहां पर टियान चाओ जाता है और अब वह अपने सोल्जर्स को उस शील्ड को तोड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं पर वह सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं कि यंग मास्टर जुंगी इस बैटल में काफी ज्यादा घायल है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है कि उन्हें पहले यहाँ पर अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पर अब सभी स्पाइडर्स ने साओ साओ को चारों ओर से घेर लिया होता है और अब वह सभी लोग एक साथ साओ साओ पर अटैक करके उसे वहां पर घायल कर देते हैं। और तभी टियान चाओ अपनी पावर का यूज करके उस शील्ड को वहां से हटा देता है और तभी वह देखता है कि उस जगह पर साओ साओ भी फ्रीज हो चुकी होती है, पर वह उसे इग्नोर करके उस जगह से भाग जाता है। अब लिनफेंग साओ टियान के शॉर्ट फॉर्म पर बैठकर साओ साओ को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, जो देखकर टियान चाओ बोल रहा होता है कि लिनफेंग यहाँ पर सच में अपने आप को हीरो समझता है और वह यहाँ सुसाइड करने के लिए जा रहा है। तभी लिनफेंग साओ टियान से बोलता है कि सामने आने वाले स्पाइडर्स को तुम संभालो, उसके बाद बचे हुए स्पाइडर्स को मैं देख लूंगा। यह सुनते ही साओ टियान उन सभी स्पाइडर्स पर अटैक करने लगता है। वहीं लिनफेंग साओ साओ के पास जाकर उसे अपनी फिनिक्स फायर की मदद से ठीक करता है और बोलता है कि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब वहाँ पर साओ साओ लिनफेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलने लगती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि टियान चाओ ऐसा पर्सन निकलेगा। वह हमेशा जुंगी के आगे पीछे घूमता था और उसके सभी ऑर्डर्स को माने करता था, पर जब जुंगी यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसा हुआ था तब वह उसे छोड़कर यहाँ से भाग गया। तभी लिनफेंग बोलता है साओ साओ तुम यहाँ पर आराम करो और यहाँ पर बाकी बचे हुए स्पाइडर्स को मैं संभाल लूंगा। पर तभी वहाँ पर और भी स्पाइडर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साओ साओ लिनफेंग के लिए परेशान होने लगती है और तभी उस जगह पर वह शील्ड दोबारा एक्टिवेट होने लगता है, जो देखकर टियान चाओ साओ साओ को आवाज लगाते हुए बोलता है कि साओ साओ तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, यहाँ पर पहले तुम खुद को बचाने के बारे में सोचो। पर साओ साओ उसे इग्नोर कर देती है। तभी टियान चाओ बोलता है यह जगह काफी ज्यादा पॉइजनस है और यहाँ पर कई सारे स्पाइडर्स है जिनसे हम लोग फाइट करके कभी नहीं जीत पाएंगे, तो हमारा यहाँ से भाग जाना ही ठीक होगा। तभी साओ साओ बोलती है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं अपने बड़े भाई को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर टियान चाओ को काफी गुस्सा आता है और अब वह अपने सोल्जर्स के साथ साओ साओ को वहां पर अकेला छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लिनफेंग उन स्पाइडर से फाइट करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है और तभी एक स्पाइडर उस पर अटैक करता है। लिनफेंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर वहां पर उससे फाइट करने लगता है। अब उन स्पाइडर्स की पावर को देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि इन स्पाइडर्स को यहाँ पर हरा पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, तो अब उसे यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करना ही होगा। पर तभी एक स्पाइडर लिनफेंग के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक कर देता है,
जो देखकर साओसाओ वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर उसी वक्त लिनफेंग उन सभी पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वह अपनी कलरलेस मार्शल सोल का यूज करते हुए वहां पर उन स्पाइडर्स के ऊपर अपना स्काई डिस्ट्रॉयर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब लिनफेंग वहां पर अपने पावर को बढ़ाने लगता है, जो देखकर सभी स्पाइडर्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जिसके बाद लिनफेंग अपनी स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी स्पाइडर्स पर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त वह सभी स्पाइडर्स वहां पर मिलकर एक शील्ड बनाते हैं, जिससे वह लिनफेंग के उस अटैक को रोक सके। पर लिनफेंग के अटैक के सामने उनका वह शील्ड नहीं टिकता है, जो देखकर साओसाओ काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर लिनफेंग के अटैक्स के पावर डिवाइन मार्शल रैलम के है। और उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनफेंग, जो अभी ओरिजिनल मार्शल रैलम पर है, वह इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।